ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा, ज्ञान भी नहीं जानकारी भी नहीं। बस नेताजी ने कहा कि भगवा झंडा लहराना है मुजफ्फरपुर की मस्जिद में, तो सर पे अंध भक्ति का, कान पे आंख पे अंध भक्ति का पट्टी बांधे और जाकर भगवा झंडा लगा दिए। न ज्ञानम न शीलम, कोई ज्ञान नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों, ये परमात्मा कह रहा मनुस्मृति का। आपके इस बस्ती का नाम मनोहर है, मनु मनुहरी था, मनुहरी से मनोहर हुआ, मनु महाजल पलवान वाले मनु के तरफ शायद निस्बत है, और हरि मतलब हरि ओम ईश्वर विष्णु शिव जी का एक नाम हरि ओम, हरि ओम ओम हरि ओम, उसी हरि से निकाल कर मनोहर शायद लगाया। मैंने गौर किया इसके ऊपर, तब पता चला तो ये मनोहर का मनुजी बोल रहे हैं क्या, ये मनुस्मृति का मनुजी बोलते। नशीलम न ज्ञानम, न ज्ञानम नशीलम न गुणे न धर्मा, नशीलम न ज्ञानम, ज्ञान भी नहीं जानकारी भी नहीं। नेताजी जो बोलेंगे उनके पीछे नारा लगाएंगे, ये नहीं कि परमात्मा को ये नारा पसंद भी है या नहीं, ये नहीं देखेंगे, बस जो कहा फौरन आप बंद कर कर लब्बैक कह देते हैं और निकल पड़ते हैं उनके पीछे। नहीं मेरे भाइयों, हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा, देखे इस मंत्र के अंदर कहा नशीलम न ज्ञानम न गुणे न धर्मा। नशीलम उनके अंदर नरमी का उखुवत का कोई मात्रा नहीं होगा, नहीं है न गुणे न गुण है न ज्ञानम न धर्मा, लास्ट में न धर्म की कोई बात पाई जाती है उसके अंदर। तो ऐसे इंसान जिसके अंदर यशाम विद्या, जिसमें विद्या नहीं है, तपो नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है और रहमो कर्म नहीं है, बस जिसको पकड़ लेंगे मारेंगे तो मारेंगे। बूढ़ा आदमी हो बस दाढ़ी वाला होना चाहिए, दाढ़ी पकड़ लेंगे मारेंगे तो मारेंगे। नशीलम उनके अंदर रहमो कर्म नहीं है ऐसे बंदे में, तो ऐसे बंदों का अंजाम क्या होगा। सुनिए मनुस्मृति कहता है, उठाइए मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 23वें मंत्र के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों में क्लियर तौर पर यूं कहा गया के हेतु इन मनुष्य रूपे भुवि भात भूता, भुवि भार भूता, इस जमीन में मनुष्य रूपे वो इंसान की शक्ल में मृत्यु लोके के भुवि भार भूता, इस जमीन के ऊपर भी इंसान की शक्ल में जानवर है और मरने के बाद भी वो बोझ होगा परमात्मा के पास, जिनके अंदर ना कोई ज्ञान था, जिनके अंदर ना कोई धर्म की बात थी और जिनके अंदर ना कोई रहमो कर्म का मादा था और जिनके अंदर ना कोई हुनर इस दुनिया के अंदर, बस दूसरों के तलबे छाटते थे और फिर पैसे की गड्डी मिलती थी और फिर नारा पलन करते थे। हिम्मतनगर गुजरात जाना हुआ, हमने जाकर के पूछा हिम्मतनगर गुजरात जिसके इलाके काफी मुतासिर हुए थे, 1902 के अंदर गाजर गोली की तरह काटा गया था मुस्लिम माइनोरिटी को, हमने पूछा वहां पर जलसा हुआ गए तो हमने कहा कि इस इलाके के अंदर बहुत दंगा हुआ था, जरा बताओ हिम्मतनगर वालों के माजरा क्या था। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आप बचे कैसे यहां पे, उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला अगर हमारे बीच में हमारे गांव के हिंदू भाई नहीं होते तो हम आज जिंदा नहीं होते। हमने कहा क्यों, उन्होंने कहा कि जब दंगा हो रहा था, जब तलवार नजर आ रही थी, जब गोलियों की आवाज थी, जब चारों तरफ नालियों के अंदर खून बह रहे थे, सारे सड़कें पीले और रंगीन हो गए थे रेड कलर से, उनको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से होली खेला, ऐसी नजर आ रही थी सारी बस्तियां सारी सड़कें। हमने कहा आप कैसे बचे, आपका घर कैसे बचा, उन्होंने कहा कि पड़ोस में हमारे हिंदू भाई नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। हमने कहा कैसे बचाया, कहा कि फ्रिज में डालकर हमारी जान उन्होंने बचाई, टॉयलेट बाथरूम में बंद करके उन्होंने हमारी इज्जत आबरू बचाई। हमने कहा कि उन्होंने तो दंगा किया था, कहा नहीं वो
राय के टट्टू थे, न गुणम न शीलम न देवा, न गुणे न धर्मा, वो बाहर से लाए हुए, वो किराए के, वो दज्जाल के दुश्मन थे, वो दुश्मन के, वो शैतान के राक्षस के चेले थे, और उनके इशारों पर उन्होंने पैसों को देखकर न बेटी की इज्जत देखी, न बहू की इज्जत देखी, न माँ के ममता को देखा, सबको काजल मूली की तरह थाटते गए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ हिंदू भाइयों, अल्लाह ने आपको एक माँ बाप को, आप पर मुसलमानों को एक कोख से पैदा किया है, इसलिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया जितनी इज्जत मुसलमानों को अल्लाह ने दी उतनी इज्जत आपको भी दी। आपको इबादत करना है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बोलिए मैं खड़ा होकर पढ़ता हूँ, जब कहेंगे तब पढ़ूंगा, लेकिन खुदारा आप हनुमान चालीसा अजान के अपोजिट में मत पढ़िए, बल्कि हनुमान चालीसा पढ़िए तो अपने ईश्वर की भक्ति के लिए पढ़िए, अपने श्री अपने हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़िए। हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ा जाता है लेकिन अपने राजनेताओं को खुश करने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में विवाद फैलाने के लिए अगर पढ़िएगा तो हनुमान जी क्या कहते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी, जिसका दिमाग खराब हो जाता है तो मैं अपने वज्र से उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार जिसके दिमाग में भूसा भर गया हिंदू मुसलमान का, हम उसको अपना वज्र मार करके उसके दिमाग को ठीक करते हैं सुमति के संगी, लेकिन जो हिंदू बढ़िया है हम उसका साथ देते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कितनी अच्छी बात कही मेरे हिंदू भाइयों, बताइए एक भी पैगाम ऐसा है जो हमारे कुरान में और आपके वेदात में ना हो। मैंने तहकीक की पर्दे के ऊपर, मैंने तहकीक की है औरत की इज्जत के ऊपर, हमने तहकीक की है जन्नत और दोजख के ऊपर, साफ साफ वाज़े लफ्जों में मिलते हैं ये बातें मिलती हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप पढ़िए, मरने के बाद अगर आप इस धरती में इस जमीन पे अगर आपके अंदर धर्म नहीं है, अगर आपके अंदर कर्म नहीं है, तो आप यहां पर भी और के मृत्यु लोके भुवि भार भूता, ये श्लोक के मंत्र नहीं सुना होगा आपने, इसलिए कि बहुत खून जलाकर तब जाकर कहीं एक दो श्लोक मंत्र मिलता है। हमको चतुर्वेदी कहने कहलवाने का कोई शौक नहीं, मैं तो मना करता हूं, खामखा अब्दुल्ला चतुर्वेदी लगा देते हैं, मैं अब्दुल्ला कासमी हूं, मैं मेरी निस्बत उलमा से जुड़ी हुई भी है, इससे बड़ी निस्बत कुछ नहीं होती, लेकिन चूंकि मंत्र पढ़ते लोग चतुर्वेदी लगा देते हैं, तो इसके ऊपर अभी रिसेंटली रिसर्च है, मेरे पास वो किताब अभी मौजूद है मेरे मोबाइल के अंदर, उसके अंदर एक श्लोक एक मंत्र बहुत ये बात कही गई के मृत्यु लोके भुवि भार भूता एन मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति, मरने के बाद भी वो भूत और इस जमीन के ऊपर भी वो इंसानी शक्ल में वो जानवर बनकर जी रहे हैं, जिसके अंदर धर्म नहीं, जिसके अंदर ईश्वर की प्रशंसा नहीं, जिसके अंदर अपने परमात्मा की मोहब्बत नहीं। परमात्मा कहां से हासिल होगा, उनका मनन करके, उनकी तारीफ करके परमात्मा हासिल होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मौलाना ये तब तो पुरानी बातें हो गई, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं, आजकल बहुत मुस्लिम बेटियां भी बोलने लगी है कि हम शरीयत को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे, हम बाल खोल कर चलें कि हम सीना चौड़ा चौड़ी करके चलें, हम अपनी मर्जी के मालिक। हमारे मुस्लिम माँ और बहनों, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है, नहीं तो जो तुम चाह रहे हो ना, वहां चले जाओ तुम चाइना, चले जाओ तुम थाईलैंड, तुम्हारी जवानी है तो तुम्हारी एक रात की 2000 कीमत, तुम्हारी जवानी ढल जाएगी तो तुमको यूज करके नाले के अंदर फेंक दिया जाएगा, तुम करोड़ों लाखों रुपए खर्च करो, सर्जरी करवाओ, तुम्हारी शक्ल की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा है कि तुम्हारी उम्र अगर 15-20 साल है तो तुम माँ और बहन की निगाह से देखी जाती हो, तुम्हारी उम्र 20 साल से ऊपर हो जाए तो तुम एक बीवी बन जाती हो, जब तुम्हारी उम्र 50 साल से नीचे जाए तो तुमको अल्लाह माँ बना देता है, और माँ बनने के बाद तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत का मकाम और मर्तबा देता है। ये इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको दी, जिस अल्लाह ने तुमको ये इज्जत दी उस अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी गुजारने के तरीके भी बताए हैं। तुम ये मत कहो, तुम लिबरल मुसलमान मत बनो कि हमारी
हमारी जिंदगी हम आजाद हैं। अगर इतने ही दिमाग में भूसा भरा हुआ, जाओ मुंबई के अंदर कलकत्ता जाओ और वहां के स्कॉट सर्विस में जाकर ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारी एक रात की बोली लगेगी 10,000 रुपए, जवानी गई, तुम्हारी सारी कीमत खत्म। तुमको अगर कोई इज्जत देगा तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर इज्जत मिलेगा। मैं उस बेटी को कहना चाहता हूँ जो ये कहती है क्या मैं सेक्युलर, सेक्युलर नहीं हो, पूछो तुम अपनी माँ से तो तुमको कैसे पैदा किया, माँ कहेगी हम नहीं जानते। पूछो तुम अपने बाप से, बाप कहेगा कि हम नहीं जानते। पूछो तुम दुनिया के साइंसदानों से कि हमको कैसे पैदा किया गया, वो कहेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको मनी के खतरे से पैदा किया है, खूबसूरत इंसान बनाकर इस धरती के अंदर भेजा। जिस अल्लाह ने मनी के नापाक खतरे से खूबसूरत इंसान बनाया, उस अल्लाह ने तुमको दुनिया के अंदर भेजा है, तो उस अल्लाह का निजाम भी तुम पर लागू होता है। जब एक 70-80 हज़ार रुपए की बाइक लाते तो उसका खुदा बन जाते, उसको चाहे आप जला दें, उसको चाहे आप 70 की स्पीड पे चलाएं, उसको चाहे तो घर में ताले लगा के जाएं। एक मामूली सी चीज बनाए हुए किसी और की, लेकिन खरीद कर आप लाते हो तो आपका ऑर्डर चलता है। जरा सोचो हमारी बहनों, अल्लाह ने मरी के खतरे से, पानी के खतरे से आपको खूबसूरत शक्ल दी, आपके अंदर एक मकनतीसी सिफत पैदा की है, औरत के अंदर, उसकी आवाज के अंदर, उसकी आंखों में, उसकी शक्ल में, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडीज में, सर से लेकर पैर तक औरत की शक्ल सूरत के अंदर एक कशिश होती। औरत हेलो बोले तो इंसान के दिमाग खड़े हो जाते, बूढ़े जवान हो जाते। ये सिफत तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने दी है तो उस अल्लाह का हुक्म तुम पर चलेगा। तुम मानो या ना मानो, तुम मरोगे तो अल्लाह के सामने तुम्हें हाजिर होकर जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए नहीं कहा, साफ लफ्जों में यूं कहा गया औरत के ताल्लुक से कि औरत यूं ही नहीं है इस दुनिया में। अगर किसी ने इज्जत दी है औरत को तो इस्लाम ने इज्जत दी है, कुरान ने इज्जत दी है, इस्लाम। लेकिन आजकल हमारे मुस्लिम भाई हमारे अपनी बदामाली और बदकिरदारी की वजह से, मेरे भाइयों, वो दूसरे लोग हमसे बदजन होते हैं। एक मंत्र और एक श्लोक और पढ़ता हूँ, उसके बाद चूंकि इस मस्जिद के निर्माण, इस मस्जिद की बुनियाद में आप लोगों ने बहुत हिस्सा और बहुत तआवुन पेश किया है। मैं तो चंदे का मुकर्रर नहीं हूँ, मुझसे 2 घंटे तकरीर करा लीजिए मैं कर दूंगा, लेकिन चंदा कहीं कहीं होता है तो शायद अच्छा करा देता। अभी एक मालदा में एक जगह प्रोग्राम में थे, गजोल कोई जगह है, बारिश हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा 6-6.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। वहाँ तकरीर ही नहीं, तकरीर एक मेथड, एक टॉपिक, जैसे इन्होंने सवाल किया उसका जवाब देने के लिए अचानक से सवाल सामने आना और फिर सारे मैटर और मवाद का जहन में हाजिर करना बड़ी बात होती है। ये उलमा की और आप लोगों की तवज्जो का नतीजा होता है कि हम बोल पाते हैं आपके सामने में। तो बहरकैफ इस मस्जिद के तआवुन के लिए भी कुछ बात आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, और बड़े खुश नसीब हैं आप लोग के इस जलसे में, इस मंच में बहुत बड़े आलिम दीन आप तशरीफ फरमा हैं यहाँ पे, और मेरी तकरीर के बाद आपके महबूब मुकर्रर मुफ्ती सादुल नजीब साहब का भी बयान होना है और उनकी खूबसूरत आवाज़ और बहुत अच्छी बात है, मुदल्लल बयान भी होता है उनका, वो भी आपको सुनना है। मैं तो बीच में आया हूँ, चूँकि हिंदू भाई यहाँ पर थे, उनके ये सवाल था तो इस सवाल का जवाब उनको देना बहुत ज़रूरी था। ईरान तुरान की बातें न करके मैं उनको एक बात और समझाता हूँ। मेरे हिंदू भाइयों, एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये सोचिएगा कि इस दुनिया में तो नेता लोग हमको सपोर्ट करते, मरने के बाद भी यही आएंगे। मैं होम मिनिस्टर इंडिया का हूँ, ये मेरा बंदा, इसको जन्नत भेजो। अल्लाह कहेगा तुम होम मिनिस्टर हो, मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे बड़ा मर्तबा किसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, आज की तारीख में दुनिया में चूंकि सुपर पावर है, लेकिन मरने के बाद तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑल पूरे ब्रह्मांड का। ये 8-9 हमारे गैलेक्सी में जो 8 ग्रह हैं इनका भी इस तरह वर्ल्ड, ऐसे जो जमीन है ये ग्रह, एक ग्रह ऐसे 8 है हमारे सोलर सिस्टम में, इन सब का मालिक अल्लाह। अल्लाह कहेगा कि वी आर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड ऑफ द वर्ल्ड, तुम होम मिनिस्टर हो तो क्या तुम्हारे कहने पे
इसको छोड़ दें। जैसे किसान के ऊपर जीप मोटर चला दो और सुप्रीम कोर्ट को कह दो कि मेरे बेटे को जमानत मिलनी है तो मिल जाता है, वहां का या नहीं चलेगा। आप होम मिनिस्टर थे अपने जमाने में, थे सबसे पहली बात तो तुम मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ लो। तुम जो 2 साल रहे होम मिनिस्टर, लोगों को सीएनआरसी में बहुत परेशान किया, वो सलाह उसको खुद मुर्गा बना देंगे। उसके बाद फिर हिंदू भाई क्या होगा, हिंदू भाइयों वहां पर नामुत्र ही सहायात पिता माता चैतिष्ठा मनुस्मृति, नामुत्र ही सहायात, नामुत्र ही ना पुत्र ही सहायात, मतलब कोई मोइन मददगार नहीं होगा मरने के बाद। नामुत्र ही सहायात, कोई सहायता देने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। पिता माता न मां न बाप चैतिष्ठ, मरने के बाद ना पुत्र ही ना मूत्र ही कोई मदद करने वाला नहीं होगा। कल कयामत में हश्र के दिन आपका अमल अच्छा होगा तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह का कुरान भी आपसे कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल इम्रिइन मिनहुम यौम इदिन शानुन युग्नी। जब कयामत कायम होगी तो हर आदमी नफसी नफसी के आलम में मुबतला होगा। एक एक नेकी की अगर जरूरत पड़ जाए, अगर एक मोमेंट की जरूरत पड़ जाए, सामने बेटा होगा और बेटे से कहा जाएगा कि मुझे एक नेकी की जरूरत है तो आप मुझे वो नेकी दीजिए, तो अल्लाह वो बेटा मुंह फेर कर भाग जाएगा। इसलिए कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबी, वहां पर कोई अमल अगर काम आएगा तो इंसान का नेक अमल काम आएगा। वहां कोई नेता किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, वहां पर कोई सीएम पीएम किसी अपने कार्यकर्ता की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। हिंदू भाइयों याद रखिए, आपके इस सवाल का ये जवाब है ना मूत्र ही सहायार। वहां पर ना कोई पिता, ना कोई माता, ना कोई बेटा, ना कोई आपका रिलेटिव, आपका कोई मदद करने वाला वहां पर आपको महीनों मददगार होगा। वहां पर आपका अमल और आपका कर्म आपको निजात दिला सकता है, ईश्वर के सामने आपको इज्जत से नवाज सकता है। अगर आपने एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाया होगा, अगर आपने अल्लाह के कलीमे को पढ़ा होगा, अगर आपने आखिरत के दिन पर ईमान व आस्था रखा होगा तो वही आपको काम आ सकता है, वरना कोई मंत्री संतरी आपके बेड़े को पार नहीं करेगा। मेरे मुसलमानों, आपसे भी यही दुआ करता हूँ इन द एन अखीर में कि आपको भी अपने अमल की तरफ ध्यान देना चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए। आपका पर्सनल मैटर, पर्सनल अमल ही आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको कामयाबी दिला सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको इज्जत नहीं दिला सकता। इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हम तमाम मुसलमान भाइयों को और हमारे हिंदू भाइयों को अपने अपने कॉन्सेप्ट के एतबार से उनको भी दीन की हिदायत की तौफीक दे, समझदारी दे, अपनी किताबें समझने की तौफीक दे, और इस्लाम मुसलमानों को भी हिम्मत दे और मुसलमानों को इस बुजदिली से निकाले कि नहीं जनाब बुलडोजर चल रहा है तो डर जाएंगे, डरना बुजदिली है। जैसा कि अमीर शरीयत मरहूम ने कहा था और यह बात बिल्कुल तय है कि जहां पर ईमान होगा वहां पर बुजदिली नहीं हो सकती। इनका बुलडोजर कौन, बुलडोजर वालों से या संविधानिक तौर पर तुम चला रहे हो, ईश्वर के तरफ से इंशाअल्लाह तुम पर यह वबाल बनकर टूटेगा। अगर तुमको इस्लाम से इतनी नफरत है तो इस्लाम के अल्फाज से नफरत करो, अकल अरबी का वर्ड है इससे भी नफरत करो, आप देखो कब्जा अरबी का वर्ड है इससे भी नफरत करो, बुलडोजर स्पेन में इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी का वर्ड है इससे भी नफरत करो ना, हर जगह पर हिंदी लफ्ज इस्तेमाल करो, लेकिन आप नहीं करते। सिर्फ हनुमान अजान से हमको तकलीफ है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं पर कोई तशद्दुद है? अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही देता हूं। हय्या अलस सलाह नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बताओ हिंदू भाइयों, पूछो दुनिया के किसी भी तमाम से, अजान के फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड अगर शुरू से आखिर तक किसी लफ्ज के अंदर अगर कोई तशद्दुद हो, कोई जंग की बात हो,
या कोई लड़ने की बात हो तो सबसे पहले अब्दुल्ला स्टेज पर खड़ा होकर कहेगा कि अजान के अंदर तशद्दुद, लेकिन अजान के अंदर ऐसा कोई लफ्ज मर जाएगा इंसान नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अजान ओपन सिर्फ नमाज के लिए दी जाती है, वरना इससे कोई और दूसरा पैगाम नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा तौफीक अता फरम, अमल की तौफीक दे। चंदा मंदी की कोई मसला नहीं है भाई, एक खस्सी है, हजरत तशरीफ फरमा है। हमारे बड़े बुजुर्ग मोहतरम आपके महबूब मुकर्रर हरदिल अजीज, हम भी इनके फैन हैं। अल्लाह